इंडियन फैंस विराट कोहली को जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी मानते हैं। मैं आपके सामने कुछ ऐसे स्टैट्स लेकर आया हूं जो ये डिफरेंशिएट कर देंगे बाबर आजम विराट कोहली के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ भी पाएंगे या नहीं। बाबर आजम वर्सेस विराट कोहली, कौन बड़ा खिलाड़ी है, कौन बेहतर खिलाड़ी है, ये बहस जो है वो बहुत अरसे से चल रही है इंडो पाक की क्रिकेट के अंदर। इंडियन फैंस विराट कोहली को जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी मानते हैं, और सिर्फ इंडियन ही नहीं ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर भी बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो कि विराट कोहली को दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी मानती है। जबकि जो पाकिस्तानी फैंस हैं वो कहते हैं नहीं जनाब, बाबर आजम जो है वो बहुत जल्द विराट कोहली के एक एक करके सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ेंगे और वो दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। मैं आपके सामने कुछ ऐसे स्टैट्स लेकर आया हूं जो ये डिफरेंशिएट कर देंगे कि दोनों में से ज्यादा बेहतर खिलाड़ी कौन है और क्या बाबर आजम विराट कोहली के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ भी पाएंगे या नहीं। मेन वीडियो के जाने बढ़ने से पहले आपने हमारे चैनल स्पोर्ट्स जुनून को करना है सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए। व्यूअर, सबसे पहले तो अगर आप ये स्टैट्स देखें जिसमें विराट कोहली के इंटरनेशनल रन्स और बाबर आजम के इंटरनेशनल रन्स आपके सामने दिखाए जा रहे हैं, तो विराट कोहली के मैचेस बहुत ज़्यादा है। टेस्ट क्रिकेट में वो 100 से ज़्यादा मैचेस खेल चुके हैं, वनडेज में 250 से ज़्यादा, इसी तरह T20s में भी 100 से ज़्यादा इंटरनेशनल T20s खेल चुके हैं, और 70 प्लस उनकी जो सेंचुरीज आपके सामने नज़र आ रही हैं, 100 से ज़्यादा उनकी निस सेंचुरीज हैं। तो बाबर ने अभी मैचेस काफ़ी कम खेले हैं, लेकिन जो बुनियादी यहाँ पर एक फ़र्क मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो ये है कि देखिए, कम से कम 15 से 17 या 20 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट रेगुलर खेलना विथ फिटनेस और साथ साथ परफॉर्मेंस, ये आसान काम नहीं है। आप बड़े खिलाड़ी तो होते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ इतने लंबे अरसे तक लगातार परफॉर्म करते जाना और टीम को जिताते जाना, इसके लिए आपको बहुत बड़ा खिलाड़ी, बहुत ज़्यादा जो है आपको मेहनत करना होती है। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ के ऊपर ही सारी चीज़ें जो है वो डिफरेंशिएट करेंगे कि विराट कोहली कहीं आ गए हैं। इसके अलावा क्या बाबर आजम विराट कोहली तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं, देखिए अभी तक तो कुछ ऐसे रिकॉर्ड जो विराट कोहली ने बनाए थे वो कुछ एक एक करके बाबर ने तोड़े हैं, जैसे कि इंटरनेशनल T20s में तेज तरीन 2000 रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ देना, वनडे क्रिकेट के अंदर तेज तरीन 4000 रन बना लेना। लेकिन क्या ये फॉर्म आगे कंटिन्यू होगी बाबर की, और क्या जो आगे चलकर विराट ने रिकॉर्ड बनाए थे उस तक भी पहुंच पाएंगे या नहीं, ये एक बड़ा मुश्किल टास्क है बाबर के लिए। देखिए, बाबर आजम ने जब 2000 इंटरनेशनल T20 रन्स जो है मुकम्मल किए थे, तो यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने 52 इनिंग्स खेली थी, जबकि उस वक्त विराट कोहली ने 56 इनिंग्स में यह कारनामा सर अंजाम दिया था। लेकिन बाबर आजम जो है अभी 3000 समथिंग उनके रन्स हैं इंटरनेशनल T20s में, जबकि विराट कोहली 4000 क्रॉस कर चुके हैं। तो ये 4000 तक पहुंचने के लिए जो अगले 2000 रन्स विराट कोहली ने बनाए थे वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 51 इनिंग्स में बनाए थे, जबकि बाबर आजम को 4000 का जो उनका माइलस्टोन है वो तोड़ने के लिए 645 मजीद रन्स चाहिए, जो कि उनको सिर्फ 10 इनिंग्स में बनाने हैं, यानी विथ 64.5 एवरेज। तो यहाँ पर डिफरेंस आता है कि क्या बाबर ये रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या नहीं, जो कि बहुत मुश्किल है। सिर्फ यही नहीं, मैं अगर आपको वनडे क्रिकेट के हवाले से एक स्टैट बताऊं, तो बाबर आजम 4000 इंटरनेशनल वनडे रन्स बनाने वाले दुनिया के तेज तरीन खिलाड़ी माने जाते हैं। उन्होंने ये कारनामा 82 इनिंग्स के अंदर सर अंजाम दिया था, जबकि इस लम्हे पर जब विराट कोहली ने 4000 रन जब बनाए थे तो उन्होंने 93 इनिंग्स में ये स्कोर किए थे, जबकि जो अगले 8000 रन्स तक पहुंचने तक विराट कोहली ने सिर्फ और सिर्फ 82 इनिंग्स में 4000 रन्स मुकम्मल किए, और फिर उससे अगले 4000 रन्स जब उन्होंने मुकम्मल किए और अपने इंटरनेशनल 12000 रन्स मुकम्मल किए, तो वो कारनामा उन्होंने 67 इनिंग्स में सर अंजाम दिया था। तो अगर आप यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं तो बाबर आजम क्या, जो कि अभी सिर्फ 4000 प्लस रन्स उन्होंने वनडे इंटरनेशनल में बना रखे हैं, वो 8000 फिर 12000 तक इसी कंसिस्टेंसी के साथ और इतनी हेल्दी एवरेज के साथ कर पाएंगे या नहीं, ये एक क्वेश्चन मार्क है। इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बताता चलूं कि विराट कोहली जो है वो दुनिया के हाईएस्ट परसेंटेज है उनकी वाइल्ड चेजिंग रन्स, यानी इंडिया को बहुत दफ़ा उन्होंने रन्स चेज करने के दौरान मैचेस जिता रखे हैं। उनकी जो परसेंटेज है वो 63 प्लस है। तो आप ये देखिए कि 100 में से 63% ऐसी परसेंटेज उनकी बैटिंग की रही है जब उन्होंने चेज की इंडिया को ज़रूरत थी, मैच जीतने की ज़रूरत थी, तो विराट कोहली ने करके दिखाया, जो कि सबसे एक मुश्किल टास्क होता है जब आप रन चेज कर रहे होते हैं। तो बाबर आजम यहाँ पर भी सेकेंड इनिंग के अंदर, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो या जब आप चेज कर रहे हों,
थोड़ा सा उनकी जो परफॉर्मेंस है उसमें कमी दिखाई देती है। तो कंसिस्टेंसी के साथ, फिटनेस के साथ, रेगुलर परफॉर्मेंस के साथ विराट कोहली के लेवल तक पहुंचने के लिए बाबर आजम को बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जाकर मेहनत करना पड़ेगी, तभी वो उन तक पहुंच पाएंगे। सो ये कुछ स्टैट्स थे जो मैंने आपके सामने रखे। होपफुली आपको एक क्लियर पिक्चर जो है वो दिखाई दे रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कॉमेंट्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिए।